श्री बंशीधर नगर। नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत गुसाई बाग मैदान में झामुमो द्वारा नामांकन रैली का आयोजन किया गया। पार्टी उम्मीदवार अनंत प्रताप देव के नामांकन रैली में सीएम हेमंत सोरेन भी शरीक हुए। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बाबा बंशीधर नगर की नगरी में वे पहला चुनावी सभा कर रहे हैं। बंशीधर महोत्सव को मेरी सरकार ने राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया। बाबा बंशीधर का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। सीएम ने कहा कि दोबारा सत्ता में आते ही भवनाथपुर में पावर प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने पहले कार्यकाल में प्लांट का आधारशिला रखा था, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों के कारण प्लांट नहीं बन सका था। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में विकास की ऐसी लकीर खींची है कि उसे गिनाना मुश्किल है। मैया सम्मान योजना से हर घर को लाभ हुआ है। दिसंबर से इसकी राशि 2500 रूपए हो जाएगी। वहीं अगली बार हर महिलाओं को साल में 1 लाख रूपए दिया जाएगा। लेकिन भाजपा के लोग अब लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। फॉर्म मुस्लिम और मिशन रीच को नहीं बल्कि सिर्फ आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर सत्ता प्राप्त करने का उनका यह तरीका है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने यहां के गरीबों को मिलने वाले आवास को चुनावी राज्यों में देने का काम किया। हम नाक रगड़ते रहे लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद भी अबुआ आवास बड़े पैमाने पर दिए गए। कहा कि भाजपा के लोग सत्ता के भूखे हैं। 5 साल सत्ता से दूर रहने के दौरान हमें काफी परेशान किया। मुझे 5 साल सोने नहीं दिया। सत्ता के लिए धन बल का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन यहां की जनता इस चुनाव में भी उन्हें सबक सिखाएगी। इस दौरान सीएम ने निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा वोटों की चोरी करती है। कहीं वोट का समय बढ़ाने तो कहीं घटाने की कोशिश कर रही है। ईवीएम में भी गड़बड़ी की जा सकती है। सभी लोगों को चौकस रहना है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुचक्र को खत्म करने के लिए हम लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। यहाँ भी ताहिर अंसारी और अनंत प्रताप देव एक होकर भाजपा के मंसूबों पर पानी समाप्त करने में लगे हैं। इस दौरान झामुमो उम्मीदवार अनंत प्रताप देव, पूर्व विधायक राजेंद्र प्रताप देव, ताहिर अंसारी, सोगरा बेगम, झामुमो अनुमंडल अध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे, सूर्यदेव मेहता, लल्लू राम, कामता प्रसाद, रमेश चंद्रवंशी, अमरनाथ पांडे, अमर राम, बबलू पांडे, जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी सहित कई लोग मौजूद थे। फोटो ले लिए हैं हम अभी से स्टार्ट। सरकार से बेदखल करने का नहीं पूछा कि नहीं लिया। और सरकार से उतारने का एक बड़ा समूह, बड़ा वर्ग, पूंजीपतियों की जमात, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। आज ये चुनाव चुनाव मात्र नहीं है, ये चुनाव इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता के हक अधिकार, उनके मान सम्मान स्वाभिमान का ये चुनाव। मैं 2019 से लेकर आज तक इस राज्य के कई चुनौतियों के साथ लड़ते 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 हम लोगों ने सभी चुनौतियों को पूरी सरकार मुस्तैदी के साथ उन चुनौतियों का सामना किया और चुनाव में हम लोगों ने जीत भी दर्ज की। चाहे वो कोरोना का चुनाव हो, चुनौती हो, चाहे राज्य में कई सारे उपचुनाव भी आए, राजनीतिक हुजते भी हुई, इस क्रम में मुझे जेल भी जाना पड़ा। अंतोगत का उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। आज फिर से आपके सामने बंशीधर नगर हमारी आशा उम्मीद के साथ इस बंशीधर नगर का आशीर्वाद कहीं ना कहीं हम सभी पर है, क्योंकि बाबा बंशीधर का ये त्योहार तो रात
के त्यौहार का सम्मान भी अभी नहीं किया। ये चुनाव का पहला कदम हमारा यहां से शुरू हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कि इतने चुनौतियों के बीच जो इस राज्य में विकास की एक लंबी लकीर खींची है, उस लकीर के बारे में मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खबर, कहां खत्म करूं, समझ नहीं आ रहा। आज गांव देहात, महिला पुरुष, बुढ़ा बुजुर्ग, नौजवान, आधारभूत संरचना को लेकर जो हम लोगों ने कार्य किए हैं, राज अलग होने के बाद सबसे अधिक इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने चलाया। लेकिन इस राज्य का क्या हालत था कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के बात हाथ रखते पड़ता था। लेकिन आज वही राज अपने ताकत पर केंद्र सरकार के बिना सहयोग के हम लोग इस राज्य की जनता की सेवा में लगे हैं। आज ये लोग गरीबों के आवास के लिए हमें पैसा नहीं दिए, हम इनके सामने नाक पकड़ते रह गए, लेकिन ये लोग पैसा नहीं दिए। लेकिन हमने अपने कंधे पर इस राज्य को पक्का आवास देने का वादा किया और 25 लाख अब वो आवाज देने का। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जयंत जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अभी केंद्र सरकार देर रात प्रधानमंत्री आवाज देने का घोषणा किए। मैं जानना चाहता हूं कि 4 सालों में इन गरीबों को आवाज क्यों नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला कि अगर बगल राज्यों में चुनाव हो रहा था उस समय इस राज्य के गरीबों को आवाज उन राज्यों को दे दिया गया ताकि वो चुनाव जीत सके। भागने का काम किया। हमारा गांव देहात में गरीबी की हालत क्या है हमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हमारी पार्टी ही गांव देहात से शुरू होती है। गांव देहात के लोगों ने ही इसको बनाया बढ़ाया, इसका दर्द हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। इसीलिए आज गांव देहात में पहले आप देखते थे एक दो लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन आज दिया लगा के भी ढूंढोगे, टॉर्च लगा के भी ढूंढोगे। ये देश में पहला राज है जो पूरे राज्य के बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देता है, महिला हो या पुरुष। वो तो वो विधवा महिला हो और कई ऐसे महिला जिसका पति उसको छोड़ के कहीं चला जाता है उसको भी हम लोग पेंशन देने का काम करते हैं। वो तो और अभी हम लोग हमारी हमेशा से ये सोच रही है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, हमारा गांव मजबूत होगा तभी प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होगा तभी जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा। हम हर वो काम चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से, चाहे महिला सम्मान योजना के माध्यम से, चाहे पूरे बुजुर्गों को पेंशन देने का योजना से, चाहे धोखे साड़ी लिंगी योजना के माध्यम से, चाहे बिजली बिल माफी करने का नाम से, चाहे किसान कर्ज माफी के नाम पर, हर वो जिससे आपको हम निजात दिलाए और आपके आर्थिक संपर्क मजबूती के साथ जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना पर योजना, योजना पर योजना, योजना पर योजना, क्या कभी आपने महसूस किया था कि इस राज्य में बिजली बिल माफ होगा, इस राज्य में बिजली बिल माफ होगा? और इस राज्य में जब बिजली बिल माफ हुआ तो आदरणीय भाइयों, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2-2 लाख, और यही भानु प्रताप शाही 15 विधायक, आदरणीय भाइयों 15 विधायक यही बिजली बिल माफ में भानु प्रताप शाही का 6 से 6.5 लाख रुपया माफ करवाने का काम है, और कहता है कि उखाड़ के फेंक देंगे। गजरा है कि तुम
जो है फेंक दोगे। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपको मैया सम्मान योजना लाया, हमारी कल्पना में है। एक चीज तो हम कहेंगे जरूर, एक चीज हम जरूर कहेंगे कि जिस तरह से एक आदिवासी के बेटा को इस राज्य के मुख्यमंत्री को इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा भाइयों कि एक आदिवासी गरीब परिवार के बेटा को राजभवन में गिरफ्तार किया गया, बेकसूर बेगुनाह उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। और जो घर गृहस्थी कराने वाली हमारी इस राज्य की शेरनी कल्पना सुरेन जो घर में रहती थी, घर में बच्चों लोगों को देखती थी, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने जेल में डालने का काम किया, वैसे ही शेरनी पैदा हो गई इस राज की, दहाने का काम कर रही है। इस गांव को कहना चाहते हैं जो इस राज की शेरनी है, अभी नगर उठाई बारह को 13 तारीख को वोट करना है। इस बार मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार आप बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा, बताइए बदलिएगा ना। इस बार 130 करोड़ के घोटाले बाज को बदलिए, 17 CL एक्ट के मुकदमा, जो उग्रवादी मुकदमा इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक को लगा है उसको बदलिए, तभी इस भनापुर विधानसभा का कल्याण हो सकता है, तभी इस भनापुर विधानसभा में परिवर्तन आ सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जब आएंगे तो मेरा एक ही सवाल रहेगा कि मुख्यमंत्री जी, जो आपने मैया सम्मान योजना में 18 साल की 49 साल की बहन बेटी को जो सम्मान देने का काम किया है, 1,000 से 2,500 रुपए आपको महीना बढ़ाने का काम किया है, मैं हृदय से उनके सम्मान करता हूं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय सम्मानित भाइयों, मैं आपसे कोई नया जुड़ा नहीं हूं। मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव, जिनको प्यार से आप मानिक बच्चा जी कहते थे, अभी हमारा बेटा मनु बाबा ने कुछ बातें आपको रखने का काम किया था। आप देख लीजिए, आप देखिए भैया शंकर प्रताप देव का बेटा राजरंजन प्रताप देव, छोटे राजा यहाँ पर उपस्थित है, खून पसीना एक करके आज तक कोई मई का लाल कह नहीं सकता है कि इनके दामन में कोई दाग है। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं इस क्षेत्र के लोगों से, आदरणीय भाइयों, जब मेरे पिता इस क्षेत्र में विधायक 4-5 बार रहे, मान सम्मान प्रतिष्ठा की राजनीति की, कभी भी दौलत कमाने की राजनीति नहीं की, कभी भी किसी भी विधायकी काल में मंत्रित्व काल में हमारे पिताजी के दामन में दाग नहीं लगा। आज हम इस क्षेत्र में, चाहे हमारा बड़े भाई हो, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारे भतीजे जो हो, कोई भी नगर उतारी भनापुर विधानसभा में हम लोगों ने आपको बसाने का काम किया है। आज 484 मौजा का रियासत था, आज भानु प्रताप शाही एक डिसमिल जमीन नहीं देता है यहाँ के लोगों को, और नगर उतारी गर्व परिवार को गाली देने का काम करता है, कहता है कि नगर उतारी को गर्व को बुलडोजर से उतार हटा देंगे, बुलडोजर से तुम हटाओगे, तुम्हारा इतना औकात हो गया है कि नगर उतारी गर्व को, नगर उतारी बाबा बंसीधर का नगरी है, सनातन की बात करते हो, नगर उतारी गर्व जो है जिस तरह से बाबा बंसीधर मंदिर है उसी तरह से नगर उतारी गर्व भी एक मंदिर है, इस बात को कहना चाहता। अब जब चोला बदल लिए, जब चोला बदल के राजनीति करने लगे तो इनको लगने लगा कि ताहिर अंसारी जी इनके साथ जुड़ गए हैं, अब हम कौन सा ऐसा उपाय करें, तो लगे हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान एक दूसरे को लड़ाई लड़वाना, डीजे की राजनीति करना,
है भानु प्रताप शाही जी, एक बात मैं जरूर आपको कहना चाहता हूं, आप चोला बदलिए, चोला बदल के जहां जाना है वहां जाइए, लेकिन भानापुर की जनता 15 साल से कुकुर कुकुर देखने का काम कर रही, 15 साल से इस क्षेत्र में जो भी इस क्षेत्र के विधायक रहे, एक बार विधायक रहे, नौजवान संघर्ष मोर्चा, जब नौजवान संघर्ष मोर्चा के विधायक थे, बाबा बंशीधर की नगरी है और ये गोसाईबाग मैदान ऐतिहासिक मैदान है, और ये ऐतिहासिक मैदान में आदमान्य नंद प्रताप बेदी के नामांकन कार्यक्रम है, हम लोगों के नेता, झारखंड के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कुछ में रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बाबा बंशीधर की नगरी में इस गोसाईबाग के मैदान में हम तमाम लोग बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हेलीकॉप्टर पर हैं, आप हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन मेरी आंख में टीवी के जरिए आपको सुनाई पड़ेगा, जब एक कार्यक्रम से हेलीकॉप्टर पर बैठेंगे, जब मोबाइल निकालेंगे, तो आपको पता होगा कि माननीय अनंत प्रताप देव जी और ताहिर अंसारी भोलापुर में जो भ्रष्ट विधायक थे, ये बरबेले विधायक थे, आने वाले 13 तारीख को चुनाव हराकर इसके विधानसभा नहीं बल्कि हतवार यहां की जनता भेजने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी धर्म पत्नी कल्पना सोरेन जी के ऐतिहासिक गोसाईबाग मैदान है, आज के कुछ दिन पहले बैरागपुर के नौजवानों ने, बैरागपुर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, और इस मंच के सामने हमारे बहन बेटी बैठे हुए हैं, इनके ताकत पर जन सलाब उड़ा था, आज इससे दुगना एकदम सलाब है, ये बताने के लिए काफी है। भानु प्रताप शाही, तुमको जो विधानसभा में पूछा गया था, ये बताइए विधायक जी कि भानापुर में कौन सा ऐसा 5 काम आपने किया है, उसको आप गिनवा दीजिए। तो भानु प्रताप शाही जी ने कहा कि पहला काम हमने भाई चौरा के कनहर को पुल बनाने का काम किया था, ये झूठा ये बकार विधायक, दाढ़ी बढ़ाता है, दाढ़ी छोड़ता है, और बाल चोरा के पुल के नाम पर बाल बेचने का काम करता है, और जब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार और वहां के विधायक बृहस्पति सिंह के नेतृत्व में जब पुल बनता है, तो अपना पुल बताने का काम करता है ये छोटा ये तार विधायक। 2019 में जब भानु प्रताप शाही चुनाव में लोगों के बीच में भानुपुर में नगर उतारी में जाया करता था, तो कहता था कि मैं नगर उतारी को बंशीधर नगरी को जिला बनाऊंगा, और भानुपुर के अनुमंडल बनाऊंगा, और भानुपुर में जो सेल के 4,000 एकड़ जमीन है उसमें सीमेंट फैक्ट्री लगवाऊंगा, नगर उतारी और भानुपुर में डिग्री कॉलेज खोलवाऊंगा, और ये तमाम योजनाओं के तमाम विकास कामों के डिग्री कॉलेज के जिलों को बताकर भोलापुर के गरीब वाली जनता को तुमने ठगने का काम किया था, और तुमने पीपल की पतई लेकर के हाथ में एक फसल खाने का काम किया था कि अगर हम सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगवाएंगे, हम नगर उतारे के जिला नहीं बनाएंगे, हम भोलापुर के अनुमंडल नहीं बनाएंगे, हम नगर उतारे में डिग्री कॉलेज नहीं बनवाएंगे, भोलापुर में डिग्री कॉलेज नहीं बनवाएंगे, वोट मांगने नहीं आएंगे, मैं तुम्हारा 2019 का वादा भोलापुर के देश जनता को मैं याद करा रहा हूं। आपके महलों में जब आए विधायक भानु प्रताप शाही, तो आप पूछिए उससे कि भोलापुर जो प्राइम होता है, यहाँ के नौजवान चुनाव देता है, विद्रोह देता है, इस भाग्य में काम करने के लिए मजबूर है, हमारे बहन बेटियां इस भाग्य में काम करने जाती है, तो
लिटरेचर में काम करने जाती है, हमारे नौजवान साथी का दिल बेटे बताओ भाई जी संघर के नाम पर तू कब तक बेटी सारी देते रहोगे, कब तक कमर रहोगे, कब तक पांच किलो रोक कर मजदूरों को जिंदा रखोगे, तुम्हारा नाटक ये चलने वाला नहीं है। ये जनता भगवानपुर की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के कदम आगे बढ़ चुके हैं। ये जो जनसलाब है ये जनसलाब बता रहा है ए भानुपुर।